ये है यहाँ की फेमस दही पापड़ी। और भाई यहाँ पे क्राउड देखो आप, मतलब हमारे साइड में कुछ और चीज़ें फेमस रहती है, तो यहाँ पे गोलगप्पे बहुत फेमस है इस साइड में। आपको जगह जगह पे गोलगप्पे की दुकान मिलेगी। और बाकी तो सारे भाई लोग खा रहे हैं देखो, और इनके लिए कोई चम्मच वगैरह कुछ नहीं है, ओनली हाथों से खाना है ये। तो अब हम भी ट्राई करके देखते हैं इसे। इसे खाने के बाद देखो लास्ट में चाशनी सी बच गई है, और ये देखिए चाशनी सी, और अभी गोलगप्पे। मतलब कुछ अलग ही डिफरेंट टेस्ट है यहाँ पे। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। मैं सचिन क्रेजी की बहन हूँ। क्रेजी नहीं, सचिन क्रेजी। सचिन क्रेजी। राम राम दोस्तों, एक हमारे स्वागत है यूट्यूब चैनल में। इससे इंटरव्यू बढ़ रहा है। तो आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज हम जाने वाले हैं कहाँ, कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। पता है तेरे को, जंगल जंगल जा रहे हैं। क्या खाएगी बता, जंगल से चॉकलेट लाना। चॉकलेट लाना जंगल में, चॉकलेट नहीं शेर मिलते हैं, शेर हाथी शेर दाल सरिये। पता है क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं तेरे जैसे ना। जैसे तू है छोटी छोटी सी, तो तुझे चॉकलेट खाना है। ठीक है, आज तेरे को चॉकलेट लेके आएंगे। ई कर ई कर। तो ये खेल रही थी यहाँ पे घर घर, और ये देखो इसका फोन, क्या बात है। इसमें क्या है, क्या है ये? करंजे है। करंजे है। चाकू। हाँ, ये काटने का, धरने का यहाँ पे। अच्छा। ये एक धरने का, ये काटने का। अच्छा, और ये फोन है। करूंगे किसके किसके फोन आते हैं इसपे? इसपे मेरे पापा के, के। और है ना कूटनी है, और ये अदरक कूटने का टकोरी, गैस टकोरी, टोकरी टोकरी, और गैस। और ये है हम हमारा ये इसपे मनाने का। अच्छा, ये है नया से घर बनाए। अच्छा, तो दोस्तों आज हम जाने वाले हैं कैंपिंग के लिए, और अभी रात काफी हो चुकी है। अरे मतलब हमें गए? अरे वो आ रहे हैं उल्टा, इमरजेंसी लाइट लेने गए ना। जंगल में लाइट तो चाहिए फिर कैंपिंग के लिए, तो कैंपिंग का सामान लिया है, मतलब कैंप लिया है। अब उससे जाके वहाँ बनाना है। मुझे नहीं पता कितनी दूर है, क्या है, कहाँ है, बस मैं तो सचिन के साथ जा रहा हूँ, और वहाँ पे पता पड़ेगा। हैं घास कह रहे कि घास काट लियो वहाँ पे, अब सचिन के सर में रख दूंगा घास काट के, सचिन लेके आएगा वो। मैं कल चला जाऊँगा यहाँ से, फिर मैं भी कब आना हो यहाँ पे, और तो देखते हैं आज का ब्लॉग कैसा होगा, सबके लिए सरप्राइजिंग है। तो बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं अब आपको थोड़ी सी देर बाद। तो दोस्तों हम आ गए हैं अभी आधे रास्ते में, और भाई इधर पूरा घनघोर जंगल है। अब हमें नहीं पता आगे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, और हमारे साथ आज क्या होने वाला है, क्योंकि ये जो चीज़ होने वाली है ना भाई, ये जंगल का इलाका है, प्योर जंगल सरिस्का का, ठीक है। और आज हम पूरी रात इसके अंदर बिताने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। बाकी कैंपिंग का सारा सामान हमारे पास है, बट कोई भी जानवर से लड़ने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। मतलब हमारे पास कोई वेपन वगैरह हथियार कुछ भी नहीं है, बस हम चल रहे हैं। बाकी देखो एक बाइक पीछे आ रही है, एक स्कूटी और आ रही है, मतलब हम टोटल मिला के 6-7 जने हैं। और यार मतलब एक तरह से इसे बेवकूफ़ी कह लो या एडवेंचर कह लो, इन दोनों में से कुछ भी कह लो, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, जंगल का इलाका है, और रात को और जा रहे हैं हम भरी रात में। ये नहीं कि अगर दिन में चलते या गाड़ी वगैरह होती तब भी हमारे पास सेफ्टी थी, लेकिन हमारे पास ना कोई सेफ्टी है ना हमारे पास दिन है कि हाँ भाई दिन के उजाले में सब दिख जाता है, लेकिन रात को अंधेरे में क्या दिखता, कुछ नहीं। और ये आगे आगे और चल रहा है, मैं इससे मना कर रहा हूँ कि भाई बीच में चल यार सचिन। हाँ, तो बस चुपचाप बैठा रहना, अगर कुछ सामने दिखाना गाड़ी तो मोड़ दूंगा। मोड़ कैसे देगा, घुमा दो यार। ये इतनी आगे ले आया
और पीछे कोई आ नहीं रहा हमारे, मोड़ ले रहे, आ रहे आ रहे। तू पागल है, आगे आगे और भगे बीच में रहे। आवाज देख तो भाई, कीड़ों की आवाज सुनो आप, इंसेक्ट की। अबे आवाज सुनो भाई, चुप रहो, आवाज सुनो यहाँ की। यहाँ पे हम आगे बीच में, मैं हूँ सुजीत, आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही तो यहाँ पे स्टार्ट होगी भाई हमारी बीच में कैंपिंग वगैरह। अभी आगे जाएंगे सचिन, यहीं पे रहेगा भाई। यहाँ पर भी इतना खतरनाक आ गए तो फिर मरना है क्या भाई? बहुत ही घनघोर जंगल है, और मतलब दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है इंसान और ना किसी चीज का, जानवर भी नहीं दिख रहे यहाँ पे तो फिलहाल। इंट्रो बनाने के लिए ये हमारा आउट्रो हो रहा है। एक्चुअली ऐसा हो गया भाई, शेर की आवाज आ रही बहुत तेज है, बहुत ही तेज शेर की आवाज भाई, सारे जा रहे हैं उल्टे, अब कहीं अच्छे से जगह कैंपिंग करेंगे। हम यहाँ से सुबह ही जाएंगे, यहीं पे रहेंगे, सब खाना वाना सब यहीं बनाएंगे और खाएंगे। तो देखते हैं गाइस वीडियो जो है कितनी ज्यादा जो है खतरनाक होने वाली है, वीडियो में बने रहिएगा। चलिए गाइस वीडियो जो है वो चल 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 साथ में गिरो सारे, आराम आराम से सारे साथ में भाई। चल 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 कमा लू, आवाज देते चल ना स्पीड। हाँ आ जा भाई, आराम आराम से सब चल। भाई बहुत ही खतरनाक चीज हुई हमारे साथ, शेर की आवाज एकदम पास से, और ये कैसे लगा लेके चलूं अब नहीं जाना भाई कहीं भी, आराम आराम से साथ में आड़ दे। बहुत ही बुरी आवाज आई थी, बहुत ही ज्यादा सड़क दिल में देख मेरा आगरा। मैं चुपचाप बोलूं इधर से घर में, अब चलेंगे होटल में, होटल में रहेंगे, वही कैंप लगेंगे होटल के अंदर अपना। ये टेंट लगाना किसी ने पहले नहीं किया है, ये जाता रहता है एडवेंचर पे, इसीलिए इसी को आता है गाइस। तो देख, ये है टेंट ग्रे कलर का है, ये बहुत ही जो है ऊपर बारिश भी होने वाली है भाई। यहाँ पे टेंट लगाने की तैयारी हो रही है, तो अब भाई जा रहे हैं हमारे टेंट लगाने के लिए। भाई बहुत ज्यादा एट्रैक्टिव हूँ मैं टेंट लगाने में, और मेरे को इतना फैंटास्टिक टेंट लगाया, मैंने जिंदगी में टेंट लगाया, सो आप देख सकते हैं। 400 रुपए पर दिन भाड़े पर इसको बुला सकते हैं, शादी पार्टी बर्थडे में बुक कर सकते हैं भाई को, बड़े अच्छा टेंट लगाते हैं। फाइनली जो है ये टैंक जो है लगकर तैयार हो चुका है, अब देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है, स्पेस में आप देख सकते हैं बहुत सारा जो स्पेस है। हाँ हम 7 लोग आए थे, 7 लोग हम इसके अंदर आ जाएंगे, वैसे भी बारिश का जो है मौसम हो रहा है, शायद कुछ ही देर में जो है बारिश आने वाली है गाइज, तो मैं सभी को बुला लेता हूँ और चालू करते हैं आज की पार्टी। चलो तो फाइनली हमारा टेंट तैयार हो चुका है और हम अब इसमें जाने के लिए रेडी हो गए, और तो यहाँ पे अंदर चले गए भाई। तो देख रहे, मुझे जो है लकड़ियाँ जलानी थी, इसीलिए मैं माचिस निकालने आया हूँ, मैं साथ में कैमरे के बैग में जो है माचिस लेके आया था। तो बारिश भी स्टार्ट हो गई है, तो इस वजह से भाई थोड़ी दिक्कत आने वाली है हमें, और बाकी लकड़ियाँ वगैरह ले आए हैं हम। फिलहाल है ना मैगी बन चुकी है लगभग, अभी थोड़ा सा कसर बाकी है। रात के बज गए 12:30 और भाई हमारी मैगी बन रही है यहाँ पे, और सारे भाई लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि कब मैगी बनेगी और कब हमें मिलेगी। टूट पड़े तो भाई मैगी अभी कच्ची है, आप देख सकते हो जैसे कि अभी टाइम है थोड़ा, और धुआं थोड़ी ये है कि कीट पतंगों से हमें दूर कर रहा है। अरे सुई थी लेकिन अब बंद हो गई है,
पूरे भीग गए, फिर भी भूख इतनी तेज है भाई, फिर भी हम कॉन्सेंट्रेट करें। बिता पाओगे रात? रात निकाल दोगे? फंस गए जंगल में भाई, फंस गए। दूसरा नहीं है हमारे पास, रात गुजारनी ही पड़ेगी हमें। और टेंट में भी पानी भर गया तो कैसे सर्वाइव करोगे भाई साहब? आज की रात हम सोने वाले नहीं, पक्की है यही है। एंजॉय फुल एंजॉय करेंगे। तो भाई गिटार वगैरह भी है इनके पास और ये भाई गिटार बजाते हैं बहुत बढ़िया। तो ये है बिना नमक मिर्च बिना तेल के मैगी। अरे डिसाइड कर सकते कितना वाइट है। तो जंगल में तो ऐसी मिलेगा भाई खाना है तो। अभी यार सूखने दो उसको अच्छी तरह। तो क्या बन जाएगा वो सूखने के बाद? जंगल वाली मैगी। जंगल मैगी, जंगल वाली मैगी। ये हमारा पर्सनल रेस्टोरेंट है यार, जानवरों के लिए खोलेंगे हम। गिटार की तो भाई यहाँ पे मैगी मिल रही है, अगर आपको खाना है तो कांटेक्ट करें इनसे। अरे लाओ मिर्च दे दे, मिर्च दे दे। तो फाइनली भाई अपनी मैगी आ चुकी है और हम बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं मैगी को देख के। पूरा मजा आ रहा है भाई, आधी रात को ऐसी मस्ती मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम करी है। ऐसी पहली बार हमने खाई है मैगी खुद अपने हाथों से बना के, नहीं हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं बनाई सभी के हाथों से। तो आप रेस्टोरेंट खोल सकते हो जगह पे? वैसे जंगली जानवर खूब आएंगे, बिल्कुल टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा ये जगह। आधी रात को देखना जंगल, ये देखो पहले इन्हें। सफर का फल मीठा होता है ये तो देख सुना था, लेकिन अब देख चुके हैं फिलहाल। सफर का फल मैगी होता है भाई। पूरे जंगल में अंधेरा, आप देखो दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा, बस दिख रहे तो हम लोग। करेंगे कुछ जानवरों के लिए भी छोड़ दे। देखिए भाई पतीला ये, वाह बस कर भाई पूरा स्वाद ले रहा। तो भाई सुबह के बज गए 4:30, 4:30 बज चुके हैं भाई। ठंड वगैरह भी लग रही है इस साइड में कुछ ज्यादा है, है ना। तो आग जलाने के लिए हमारे पास कुछ चीज है नहीं ऐसी, तो इस वजह से भाई इमरजेंसी लाइट, भैया बता रहे हैं इमरजेंसी लाइट खत्म हो चुकी है। अब जल्दी से पैकअप करके हम चलते हैं घर को। अच्छा लगा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मुझे कल यहाँ से जाना होगा भाई घर को, क्योंकि यहाँ पे भी हो गया 1 हफ्ते के करीब मुझे, और अब बर्थडे मनाने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा कि यहाँ भी कैंपिंग वगैरह भी करेंगे और चीज़ें भी करेंगे, तो इस वजह से रुकना पड़ गया। तब तक के लिए इससे अंदाजा लगा सकते हो कि भाई बारिश कितनी हुई होगी और हमें रात में कितनी प्रॉब्लम हुई होगी। और भाई ये खूफिया रास्ते हैं, खूफिया।